देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल के SECL सोहागपुर क्षेत्र के धनपुरी यूजी बंद कोल माइंस में कबाड़ चोरी करने गए 7 युवकों की जहरीली गैस से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 3 कबाड़ियों सहित 1 कोल माइंस अधिकारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला कायम किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP कुमार प्रतीक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 1 कबाड़ी और 1 कालरी अधिकारी अभी फरार है। धनपुरी बंद कोयला खदान में 26 जनवरी को 4 मौत और 28 जनवरी को 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। मामले में एक दिन पहले ही धनपुरी TI और 1 ASI को SP ने लाइन अटैच किया था, जिसके बाद 3 कबाड़ियों और 1 अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट। सर, जी सर, बताएं सर। इसमें 26 जनवरी और फिर 28 जनवरी को जो 2 घटनाओं में 7 बॉडीज निकाली गई हैं, पुलिस प्रशासन और SECL की रेस्क्यू टीमें लगातार लगी हुई थी, 7 बॉडीज निकाली गई हैं। इसमें जो मेन लोगों के नाम आ रहे थे 3 कबाड़ियों के, उन तीनों को आरोपी बनाकर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे पर इनाम 10,000 का मेरे द्वारा घोषित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो SECL प्रबंधन की लापरवाही थी, उनको खदान को ठीक से बंद किया जाना चाहिए था गाइडलाइन के मुताबिक, उन्होंने नहीं किया, उनके विरुद्ध भी इसमें 1 FIR कल की गई है और 1 आज की जाएगी। सर, इसमें SIT की टीम भी गठित की गई है। SIT की टीम गठित की गई है, इन 7 मौतों का कारण भी वो निकालेंगे और आगे घटनाओं में कैसे रोक लगाई जा सके इसके भी सुझाव उनको देंगे। सर, लगातार जो घटना हो रही थी उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने पहले ही पत्राचार किया था SECL से? ये SECL से पत्राचार किया गया था और उसका हमें अभी तक कोई भी लिखित या मौखिक रूप से कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई हमको नहीं मिला है। इसको फर्दर टेकअप किया जा रहा है, मेरे स्तर से भी टेकअप किया जाएगा और इसमें लगातार उनका सहयोग लेना पड़ेगा और उनको सहयोग से ही इसको रोकथाम की जा पाएगी। पत्र में विषय क्या था? पत्र में विषय ये था कि जो कबाड़ चोरी होता है इनके कैंपस से, तो उनके कैंपस में किनारे किनारे रख दिया जाता है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती, सुरक्षा के गार्ड उपयुक्त संख्या में नहीं लगाए जाते, तो इन सब बिंदुओं पर ही चर्चा की गई थी ताकि पुलिस का सहयोग करें और पुलिस इन सब के साथ मिलकर इन घटनाओं को रोक सके। सर, इसकी पुनरावृत्ति न हो उसके लिए रोकथाम के लिए कुछ और भी काम आगे किए जा रहे हैं, जैसे उसके खदाने अभी पड़ियों को बंद कराने जैसे? अभी सर्वे कराया जा रहा है वृहद तौर पर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के द्वारा, और इसमें सभी जो ऐसी खदाने हैं जो खुली हुई हैं उन सबको बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो घटना हुई है इसके संबंध में 1 और FIR आज की जाएगी SECL प्रबंधन के खिलाफ। सर, इसमें जो लापरवाही कुछ पुलिसकर्मियों को भी, हमको भी कुछ कार्रवाई की गई है? इसमें थाना प्रभारी धनपुरी को लाइन अटैच किया गया था कल और बीट प्रभारी को भी लाइन अटैच कल ही कर दिया गया था।